चाहते हैं ये आंदोलन के लिए हमारे छात्र वह जहां का जुर्म होगा जहां का अन्याय होगा और भ्रष्ट पदाधिकारी भ्रष्ट बिचौलिया के खिलाफ ये अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। उनको जितना कम है उतना वह मुकदमा करते रहे, लाठी चलाते रहे हमारे निर्दोष छात्रों पर, उससे घबराने के लिए नहीं हमारे वह पीछे नहीं होंगे। दोस्तों, किस बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज धरना प्रदर्शन जो है जन अधिकार पार्टी की ओर से है, जिसमें तमाम विंग जो है हमारे हैं, छात्र के, युवा के, जन अधिकार के, महिला मोर्चा के, सभी के संयुक्त तत्वावधान में हमारा जो है यह आज का धरना कार्यक्रम है। आज का धरना कार्यक्रम है मधेपुरा जिला का जो अनुमंडल मुख्यालय उदा किशनगंज है, उदा किशनगंज के इलाके में पिछले कई वर्षों से हमारे नेताओं के द्वारा जन समस्याओं को लेकर के बार बार आंदोलन किया जाता है, बार बार प्रशासन और सरकार से मांग किया जाता है कि समस्याओं का समाधान किया जाए। ये जो बार बार हमारे नेताओं के द्वारा जन समस्याओं को उठाया जाता है, प्रशासन को यह भा नहीं रहा है, प्रशासन को यह पसंद नहीं हो रहा है। विगत कुछ महीनों से प्रशासन ने शुरू किया है हमारे छात्र नेताओं पर, युवा नेताओं पर लगातार केस करने का, और केस कर करके जहां तहां पकड़ धकड़ शुरू करने का, और पकड़ धकड़ करके धीरे धीरे जेल में ठूसने का, और हद तब हो गई जब अखबार में भी बयानबाजी होना शुरू हो गया, प्रशासन के तरफ से भी बयान आना शुरू हो गया, और यह स्पष्ट करता है कि प्रशासन प्रशासनिक काम नहीं करता है, वह कहीं ना कहीं सरकारी एजेंट का काम करता है, राजनीति एजेंट का काम करता है, तभी तो इस तरह का अनर्गल बयान प्रशासन के ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों का आ रहा है। तो आज यह हमारी जन अधिकार पार्टी धरना के माध्यम से जिला पदाधिकारी मधेपुरा से और आरक्षी अधीक्षक मधेपुरा से यह मांग करती है कि अनुमंडल उदा किशनगंज में बढ़ते अपराध, बढ़ते जन समस्याओं के निदान के लिए जो छात्रों के द्वारा, हमारे युवा नेताओं के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था और उसको झूठे मुकदमा कर करके लगातार 10 मुकदमा करके फंसा करके जेल में दिया जा रहा है, इस पर तो अविलंब रोक लगाई जाए और जो की गई है मुकदमा उसे वापस किया जाए, और अनुमंडल आरक्षी उपाधीक्षक महोदय के द्वारा जो हो रहा है जुल्म और अत्याचार उसका अपने स्तर से जाँच किया जाए और उस पर भी अविलंब रोक लगाई जाए। अन्यथा जन अधिकार पार्टी के द्वारा यह धरना के माध्यम से मांग के साथ साथ यह चेतावनी दिया जा रहा है कि अविलंब अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो एक बड़ा आंदोलन यह यहाँ शुरू होगा और अनुमंडल मुख्यालय उदा किशनगंज में चप्पा चप्पा जन आंदोलन हो जाएगा और पुलिस प्रशासन को ना को चने चपाना पड़ेगा। तब फिर प्रशासन यह न कहे कि हमको नहीं कहा गया था जन अधिकार के द्वारा। इसलिए यह मांग पत्र के साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी की अविलंब उदा किशनगंज में हुए जुल्म और हुए अपराध पर लगाम लगाई जाए और छात्र नेताओं पर हुए केस को वापस लिया जाए और जिन लोगों पर केस करके गलत बयानबाजी करके जेल में किया गया है उनको जो है अविलंब जो है सो रिहा कराने के लिए कहा जाए, यही हमारी मांग है। यह मांग के लिए आज हम धरना पर बैठे हैं जन अधिकार छात्र परिषद, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जन अधिकार पार्टी के द्वारा। धन्यवाद। बताए किन किन मांगों को लेकर क्यों किस कारण से बैठाया गया है धरना प्रदर्शन? मधेपुरा जिला की विधि व्यवस्था पूरा खराब है, यहाँ हर जगह कहीं न कहीं लूट होती है, हत्याएं होती है, बलात्कार होती है, और इस पर हमारी पार्टी के द्वारा और खास करके छात्रों द्वारा उदा किशनगंज में जो आम लोगों की समस्या का ये विरोध करते हैं, तो अपने नाकामी को पुलिस छुपाने के लिए और विधि व्यवस्था जो वहाँ होनी चाहिए या विधि व्यवस्था में सुधार नहीं करके ये माफिया दलाल या अपराधी से सांठगांठ करके आम लोगों का ये शोषण कर रही है, और इसका खिलाफ जो हमारे पार्टी की ओर से छात्रों की ओर से किया जा रहा है
और उस छात्रों के ऊपर कई 8-10 मुकदमा इन्होंने कर दिया है और उन्हें रात दिन ये अपराधी की तरह, अपराधी को पकड़ने के लिए इसको फुर्सत नहीं है, ये अपराधी से भी बढ़ करके आतंकवादी की तरह हमारे छात्रों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये रात में छापामारी करते हैं, उनके पूरे परिवार को तंग तबाह करते हैं और उसको परेशान करके जेल में पहुंचाते हैं, जो कि ये लोग चुप हो जाए और हम लोग मनमानी करते रहे और पूरे मधेपुरा के आम लोगों को का शोषण करते रहे और अपराधी को बढ़ावा इससे मिल रहा है और अपराधी आम लोगों को तंग कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है जो छात्रों के ऊपर जो झूठा केस किया गया है उसको वापस किया जाए और मधेपुरा के जो गिरती विधि व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन और खास करके जिला पदाधिकारी से हम लोग मांग करते हैं जो विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जो पुलिस प्रशासन के लोग जो थाना थानेदार है उस पर अंकुश लगाया जाए और कड़ा निर्देश दिया जाए। हर जगह पूरे जिला में रात दिन शहर में खास करके गांव में भी गश्ती का इंतजाम किया जाए और लोगों को जिससे कि शांति राहत मिले और यही मूल रूप से हमारी पार्टी की मांग है, जो छात्रों पर झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और विधि व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.